दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी मीडियम के सबसे नंबर वन चैनल शुभम क्लासेस पर। दोस्तों अगर आप कक्षा 10वीं 12वीं के स्टूडेंट हो तो आज का जो वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको 12 नंबर का एक ऐसा टॉपिक बताने वाला हूँ जो बच्चे मिस्टेक करते हैं। सभी बच्चे, लगभग 90% बच्चे मिस्टेक करते हैं, और जो बच्चे नहीं करते हैं वो 95 मार्क्स इंग्लिश में पा जाते हैं। तो अगर आप भी चाहते हो इस तरीके से पढ़ाई करें कि आपकी तैयारी पूरे इंग्लिश में 95% आने तक ही, तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करो। और आज की इस वीडियो में आपको टोटल 12 नंबर का जो हमारा एसे आता है बोर्ड एग्जाम में, उसमें क्या क्या आप मिस्टेक करते हो और आपको क्या क्या चीजें सुधारनी होगी ये बोर्ड एग्जाम आने से पहले, ताकि आपका ये जो 12 नंबर है इसमें कम से कम आपको 11 मार्क्स तो मिले ही। वीडियो को पूरा अंत तक देखना, टोटल आपको ऐसे 8 मिस्टेक और 8 आपको बातें बताऊंगा, सही सही मिस्टेक भी बताऊंगा और उसको कैसे सही करना है ये भी बताऊंगा, ताकि आप इसको सही कर सको। ठीक है, तो चलते वीडियो की तरफ। वीडियो को तुरंत लाइक कर दो, ये वीडियो क्लास 10th और 12th दोनों के लिए, क्योंकि दोनों के बोर्ड एग्जाम में आपका एसे आता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है, मैंने जितने भी पिछले बैच के बच्चे थे जो पिछले वर्ष पढ़े थे हमारे चैनल से, उन्होंने बताया कि सर हमने पूरा एसे सब कुछ सही लिखा था फिर भी हमारा नंबर कट गया। तो फिर मैंने काफी एनालाइज किया, उनसे बातचीत की, तो पता चला क्या क्या वो कारण थे जिसकी वजह से उनका फुल मार्क्स नहीं मिला। ठीक है, अब 12 में से 7 मार्क्स मिल गया तो ये अच्छी बात थोड़ी, आपका टोटल 5 नंबर एक ही क्वेश्चन से कट गया। तो मैं आपको जो तरीका आज बताऊंगा, आपका ये 5 नंबर और ये 7 नंबर दोनों मिलेगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है ये कि नंबर क्यों कट जाता है, और इसका आपको जवाब चाहिए कि कैसे लिखे कि फुल मार्क्स मिल सके। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपके बोर्ड एग्जाम में 5 ऐसे दिए रहते हैं। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में टोटल 5 ऐसे दिए रहते हैं, उसमें से आपको मात्र एक ऐसे करना रहता है, चूज वन करके। ठीक है, जैसे कि 5 टॉपिक आपको दिया गया है, उसमें से आपको एक टॉपिक आपको उस पर लिखना रहेगा कि इस पर आपको ऐसे लिखना है। ठीक है, और जनरली इन इन टॉपिक पे ऐसे भी आता है, पर्सनालिटी के बारे में किसी के पूछ लिया, नेशनल इशू, पॉलिटिक्स, एनवायरमेंट, या फिर सोशल इशू, एजुकेशन, इन्हीं सब रिलेटेड टॉपिक पे अक्सर ऐसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, वो 5 ऐसे आपने पेपर में देखा, अब आपको क्या करना है, उसमें से चूज वन। चूज वन कैसे करोगे, जो आपको ऐसे लगे किसके बारे में आपको कुछ नॉलेज है। अब फॉर एग्जांपल अगर एजुकेशन या करप्शन के बारे में आपसे पूछ रहा है, ठीक है, अब आपको साइंस के बारे में पूछा, एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में पूछ रहा है, तो अब आपको जो टॉपिक पे आप अच्छे से पता हो, नॉलेज हो, उस टॉपिक को चूज करो, उसको चूज करो जो थोड़ा इजी हो, आपको लिखने में बहुत आसानी हो। ठीक है, अब आपको पेपर मिल गया, आपने एक टॉपिक को चूज कर लिया कि हम इस पे से अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आपको लग रहा है आप करप्शन पर, भ्रष्टाचार पर अच्छे से लिख सकते हो, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, करप्शन हेडिंग डालना है, फिर उसका सब हेडिंग डालना है। ठीक है, सबसे पहले हेडिंग डालोगे, फिर उसका सब हेडिंग डालोगे, और उसमें डालोगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या होता है कि जिस टॉपिक पे आप लिखने जा रहे हो उसके बारे में आप 4-5 लाइन में अच्छे से बता दो कि भ्रष्टाचार क्या होता है। ठीक है, फिर अब आपको बताना है फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर करप्शन। मैं आपको एक टॉपिक जैसे बता रहा हूँ, आप कुछ भी लिख सकते हो, कोई भी 4-5 टॉपिक आप एक बात क्लियर कर लो, कोई भी ऐसे में आपको कम से कम 4-5 कम से कम टॉपिक आपको ऐड करने पड़ेंगे अगर आप चाहते हो फुल मार्क्स मिले। ठीक है, अब जैसे सेकंड पॉइंट आपने लिख लिया फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर करप्शन, अब सबसे मेन पॉइंट है, अगर आप किसी भी जैसे भ्रष्टाचार या किसी बारे में बताते हो तो उसका कंट्रोल करना जरूर बताओ। ठीक है, मतलब उसका समाधान, आप किसी चीज को बता रहे हो तो उसका, जैसे कोई कमजोरी बता रहे हो तो उसका समाधान भी बताओ, उसको कैसे हम आप मजबूत कर सकते हैं। ठीक है, तो एक पॉइंट ये जरूर ऐड करना, कोई भी टॉपिक आप लिख रहे हो, हाउ टू कंट्रोल करप्शन। ठीक है, करप्शन को कैसे कंट्रोल किया जाए, अपना सुझाव, सुझाव किसी भी ऐसे में अगर आप लिखोगे तो एग्जामिनर पे अच्छा प्रभाव डालेगा। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक रहता है कॉन्क्लूजन। ठीक है, उस ऐसे को आप जो बातें बताएं उसका क्या कॉन्क्लूजन होगा वो आप लिख दिए। कॉन्क्लूजन, जो भी ऐसे जो भी टॉपिक लिखो, कॉन्क्लूजन और ये कंट्रोल, ये पॉइंट जरूर लिखो, और कम से कम 4-5 पॉइंट लिखो। ठीक है, 4-5 सब हेडिंग, हेडिंग ये रहेगा आपका, सब हेडिंग ये सब रहेगा। अब जो थर्ड पॉइंट आपके लिए है, ऑलवेज राइट दोज टॉपिक और सेंटेंसेस हु रिलेटेड टू योर टॉपिक। इसका मतलब है आप जैसे लिख रहे हो करप्शन पे, ठीक है, अब करप्शन से आप लिखते लिखते एक पेज आपने लिखा और दूसरे पेज में आप ऐसा लिख दिया कि करप्शन से रिलेटेड है ही नहीं है, तो जो आपका एग्जामिनर रहेगा वो आपका कॉपी देखकर समझ जाएगा ये तो बस बहका रहा है। ठीक है, कहने का मतलब था कि जो भी आप मेन टॉपिक लिखो उससे भटको नहीं, मतलब कि आप अगर करप्शन से रिलेटेड लिख रहे हो तो उसी के बारे में जब तक आपका एंड ना हो जाए ऐसे उसी से लिखना। ठीक है, उसी टॉपिक से रिलेटेड आप लिखते रहोगे तो आपको ज्यादा चांसेस है फुल मार्क्स मिले, क्योंकि बच्चे मिस्टेक करते हैं कि वो
एक पेज तो लिखते हैं, उसके बाद दूसरे टॉपिक से लिख जाते हैं, वो जो विषय वस्तु रहता है उससे भटक जाते हैं। अगर आप विषय वस्तु से नहीं भटकते तो ही आपको फुल मार्क्स मिलने का चांस है। अब जो पांचवा पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, ऑलवेज यूज सिंपल वर्ड्स। कौन से वर्ड जिसमें आपका ना तो स्पेलिंग मिस्टेक हो और जो एग्जामिनर को पढ़ने में बहुत आसानी रहे, रीडेबल रहे। रीडेबल मतलब जो भी आप लिखो, जो भी बातें लिखो वो उसे समझ सके, ताकि वो समझ सकेगा तो ही आपको मार्क्स देगा, नहीं समझेगा तो आपको मार्क्स नहीं देगा। ठीक है, तो ऑलवेज यूज सिंपल वर्ड्स। और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आपको अपना एसे अट्रैक्टिव और बच्चों से अलग दिखाना है तो आप एक काम कर सकते हो, मुहावरों का प्रयोग कर सकते हो या कोई एग्जाम्पल देकर उस टॉपिक को समझा सकते हो, जिससे आपका जो एसे रहेगा वो अट्रैक्टिव लगेगा दिखने में और आपको फुल मार्क्स मिलने के ज़्यादा चांस रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, सही सिंटैक्स का प्रयोग करें, ये भी आपका जो ऐसे रहेगा उसको अट्रैक्टिव बनाएगा। ठीक है, तो सही सिंटैक्स का प्रयोग करें और स्पेलिंग मिस्टेक तो बिल्कुल ना करें और कटपिट बिल्कुल ना करें। काफ़ी बच्चे होते हैं एक लाइन दो लाइन पूरा काट पीट देते हैं, जो आपका ऐसे सही भी रहता है उसके बाद भी आपको फुल मार्क्स नहीं मिलता है, क्योंकि वो दिखने में अच्छा नहीं रहेगा। जब एग्जामिनर के पास लाखों कॉपी है, वो चाहेगा तो आपका 12 नंबर 8 नंबर दे देगा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब आपका सब कुछ स्पेलिंग मिस्टेक सही रहेगा, साथ में अगर आप कोई कटपिट नहीं की हो तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा, क्योंकि यही सब चीज़ें हैं जो आपको छोटी छोटी चीज़ें जो आपको फुल मार्क्स दिला सकती हैं। ठीक है, और लास्ट आपको रिवीजन करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप चेक करोगे दोबारा तो कुछ ना कुछ मिस्टेक जरूर मिलेगा और उसको सही कर लोगे तो जो आपका मार्क्स कटना रहेगा वो नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये 8 पॉइंट है जो आपको देखना है, छोटे छोटे पॉइंट है लेकिन ये काफ़ी महत्वपूर्ण है अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए। ठीक है, सबसे पहले उस टॉपिक को चूज करो जो आपके लिए आपको पता हो, उसके बारे में नॉलेज हो, फिर उसके बारे में कम से कम 5-6 सब हेडिंग डालो और हमेशा जो भी टॉपिक आप बताओ कोई भी तो उसका सुझाव भी जरूर दो। साथ में उस टॉपिक से रिलेटेड भटको नहीं, जो भी टॉपिक लिख रहे हो उसी टॉपिक से रिलेटेड पूरा एंड तक ऐसे लिखो और सिंपल और सरल वाक्यों का प्रयोग करो और मुहावरों का प्रयोग करो, ताकि आपका जो ऐसे वो अट्रैक्टिव लगे और स्पेलिंग मिस्टेक और कटपिट बिल्कुल ना करे। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा, नेक्स्ट जो पार्ट इसका बनेगा नेक्स्ट डे, उसमें मैं बताऊंगा कि आप ऐसे कैसे स्टार्टिंग से लिखोगे। ठीक है, अगर आपको टेंस नहीं आता, आपको किसी बारे में नहीं पता है कोई टॉपिक बारे में, तो आप उस टॉपिक से रिलेटेड कैसे लिखोगे मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक बताऊंगा। ठीक है, तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लो, वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय। हेलो, वेलकम। अगर अब तक यूट्यूब के सबसे नंबर वन चैनल शुभम क्लासेस का आपने क्रैश कोर्स नहीं ज्वाइन किया है तो ज़रूर ज्वाइन करें। इसमें आपको सभी विषयों के नोट्स, वीडियोस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट ईयर पेपर और बचे हुए महीने में आप किस तरीके से सभी विषयों की तैयारी करें सब कुछ बताया जाएगा। तो ज्वाइन करने के लिए दिए गए व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू सो मच।